एक तरफ मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में, एक तरफ आनंद मोहन को लेकर बिहार में बवाल। आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सही या गलत, सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। माफी अंसारी ब्रदर्स पर योगी सरकार ने यूं कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट में पहुंचे सलाखों के पीछे। मिशन 2024 के लिए नीतीश ने खेला बड़ा दांव, 6% पर नजर, 18% की नहीं है फिक्र। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है क्योंकि सरकार कर रही है यूपी में माफिया राज का खात्मा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार 29 अप्रैल का दिन योगी सरकार के प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। यूपी में कभी दहशत का पर्याय रहे माफिया अंसारी ब्रदर्स सलाखों के पीछे पहुंच गया। पहले हम बात करेंगे बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की, फिर हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी के बारे में। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को डीएम हत्याकांड में रिहा कर दिया गया है। 27 अप्रैल को वो जेल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ चुके हैं। उनके साथ 26 अन्य कैदियों को भी रिहा किया गया है, जिनमें से ज्यादातर राजद के नेता बताए जा रहे हैं। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में ऊपरी अदालत ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया था। इसी के साथ आजाद भारत में आनंद मोहन पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किया है। आनंद मोहन की रिहाई का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। नीतीश सरकार के इस फैसले को आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई सही है या गलत, इस सवाल को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले मिले हैं। सर्वे में जनता से पूछा गया कि क्या आनंद मोहन को रिहा कर नीतीश कुमार ने गलती कर दी। 30% लोगों ने इस सवाल का जवाब हां में दिया है। वहीं 42% लोग इस फैसले को गलत नहीं मानते, 28% लोगों ने पता नहीं कहा। आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सही है या गलत, इस सवाल के जवाब में 25% के करीब लोगों ने इस फैसले को सही बताया है। वहीं 30% लोगों ने आनंद मोहन की इस रिहाई को गलत बताया, जबकि 45% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। जनता से जब पूछा गया कि क्या बीजेपी को आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध करना चाहिए, तो करीब 29% लोगों ने कहा कि हां, बीजेपी को आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर विरोध करना चाहिए। वहीं 40% लोगों ने बीजेपी को खुलकर विरोध नहीं करने की बात कही, जबकि 31% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। सर्वे से साफ है कि आनंद मोहन की रिहाई पर जनता की दो राय है, कुछ को यह फैसला सही तो कुछ को गलत महसूस हो रहा है। और यही हाल सियासत का भी है। सत्ता पक्ष इसका खुलकर क्रेडिट नहीं ले रहा और विपक्ष खुलकर विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष के दिमाग में चल रहा है कहीं दलित समाज आनंद मोहन की रिहाई से नाराज ना हो जाए। वहीं विपक्ष को डर है कि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करने पर सवर्ण समाज नाराज ना हो जाए। लेकिन यह फैसला नीतीश को जरूर झटका देने वाला है। नीतीश कुमार को सीएम बनाने में बड़ा रोल दलित और ओबीसी समाज का रहा है, और यही नीतीश की जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। और आनंद मोहन के जेल से रिहा होने पर यही वोट बैंक नीतीश से खिसकता दिख रहा है। लिहाजा नीतीश के मिशन 2024 को झटका लगता दिख रहा है। अब हम आपको बताते हैं अंसारी ब्रदर्स के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभालते ही प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। इसका परिणाम हम सबके सामने है। आज प्रदेश माफिया और अपराधियों से पूरी तरह से भयमुक्त हो गया है। मालूम हो कि योगी सरकार में पहली बार इससे पहले भी माफिया मुख्तार को सजा हो चुकी है। अंसारी ब्रदर्स पर दिखा कानून का खौफ। बताते चलें कि मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, छोटा बेटा उमर अंसारी भी कई मामलों में फंसे हुए हैं और इस समय फरार चल रहे हैं, जबकि मुख्तार की बहू निखत अंसारी जेल में है। ये वही बड़े माफिया है जो पहले की सरकारों में खुलेआम किसी किंग की तरह जीते थे और अपना अत्याचार प्रदेश की जनता पर बेखौफ होकर करते थे। ये माफिया जब खुलेआम घूमते थे तो लगता था कि कानून की सड़क उसकी चौखट तक पहुंच से पहले ही खत्म हो जाती है। लोगों के मन मस्तिष्क में एक बोर्ड लग गया था, इनके आगे पुलिस, कोर्ट, कचहरी और न्याय जैसे शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है। लोग माफिया को माननीय का पर्यायवाची समझने लगे थे, लेकिन योगी सरकार ने माफिया को उसकी सही जगह बताई। पहली बार इन माफिया ब्रदर्स के चेहरे पर सरकार और कानून का डर दिखा। गाजीपुर में साल 2005 में मोहम्मदाबाद थाने के बसनिया चट्टी में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या की गई थी। मामले में अफजाल अंसारी
अंसारी और मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से अफजाल अंसारी जमानत पर था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के लगभग 15 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मालूम हो कि इससे पहले इस केस की सुनवाई 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते अगली तिथि 29 अप्रैल नियत की गई थी। गैंगस्टर एक्ट में सजा पाने वाले मुख्तार अंसारी ने कभी कराया था योगी के काफिले पर हमला। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने बताई पूरी कहानी।